तो आप एक बार भीड़ देख सकते हो, यहाँ पर हमें भीड़ खींची चली लेकर आई केसरिया चाट कॉर्नर एंड बहुत सारी वैरायटी है इनके पास। ग्रीन चटनी पड़ा है, दही पड़ा है, ठीक है, और अभी रेड चटनी पड़ने वाला है, ठीक है, सॉर्ट हो गया। ये कटोरी किस चीज का रहता है भैया? मैदे का है। अच्छा, उससे पहले वो उधर से क्या डाले थे आप? उसमें था भेज भाजी। अच्छा, भाजी भाजी, अच्छा अच्छा, आलू वगैरह होता है, ऊपर से पनीर भी डाल दिया, पनीर डाला, पीना ना डाला। एक मिनट रुकिए भैया, नाम बता दीजिए अपना। पप्पू मदनवाल। अच्छा पप्पू जी, थैंक यू, बाय बाय। तो अपने दिल्ली में राज कचौड़ी तो आप लोग ने बहुत खाई है, लेकिन बनारस आकर ना हमें ये मिली है कटोरी चाट, जिसको ये दलिया चाट भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले भैया ने डाला मसाला, भाजी मसाला और वो आलू और सब सारे सब्जी को मिलाकर, एंड फिर इसको प्रॉपर चाट की तरह बनाया है। 60 रुपीज़ का ये है। शॉप का नाम है केसरी चाट कॉर्नर, शॉप का नाम है केसरी चाट कॉर्नर। और आप यहाँ भीड़ देख सकते हो, बहुत नेक्स्ट लेवल भीड़ है। लाइक मुझे चाट के लिए ही कुछ 15 मिनट वेट करना पड़ा। और इनके पास बहुत सारे यूनिक टाइप्स की चाट है, आप देख ही सकते हो, और ऊपर रेस्टोरेंट भी है। तो मैं ये वाली चाट ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे काफ़ी डिफरेंट लगी थी। पनीर भी डाला है इसके अंदर, इनकी सेव थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, लाइक ग्रीन एंड येलो कलर की थी, ग्रीन और येलो कलर की सेव थी, अंदर मसाला था। बनारस में वीडियो बनाना आसान नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत टेस्टी है यार। जो भैया ने पहले भाजी डाला ना कटोरी के अंदर, उसका जो स्वाद आ रहा है, उसका जो फ्लेवर है ना, लाजवाब है। बेसिकली दिस इज लाइक अ फ्यूजन डिश। पापड़ी जो हम खाते हैं उसका इन्होंने कटोरी बनाया है, जैसे आप राज कचौड़ी अपने दिल्ली में होती है, बट ये कम्प्लीटली मैदा का है, बट ये कम्प्लीटली मैदा का है। और इसके अंदर इन्होंने वो मसाला भाजी डाला, जिसका बहुत ही डिलिशियस फ्लेवर है। और उसके ऊपर इसको चाट की तरह बनाया है, दही, हरी चटनी, मीठी चटनी, अनार सब डालकर पूरे 60 रुपये की पैसा वसूल है। जो मुझे यहाँ पे बनारस आके सबसे अच्छी बात लगी कि प्राइजेस बहुत कम है, लाइक विच आई रियली लाइक। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर कमेंट फॉलो द पेज।